करते हैं। नेक्स्ट है, देखो सपोज गिवन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर है एंड ये एक सिलेंडर है एंड सपोज ये एक पॉइंट है और ये कोई ऐसी लेट से एक्सेस है इसका एंड सपोज ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी एंड इसके सेंटर से मैं इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करता हूं ए और बी को। सिमिलरली मैं इस पॉइंट से ए को ज्वाइन करता हूं एंड मैं इस पॉइंट से बी को ज्वाइन करता हूं कुछ ऐसे, ठीक। मैंने ए और बी को ज्वाइन किया सच दैट ये जो एंगल है दिस एंगल इज फाइ एंड ये जो एंगल है ये जो नीचे एंगल बना दिस एंगल इज थीटा, ठीक है यहां तक। और मान लो रेडियस जो है सिलेंडर का आर है, लेंथ सिलेंडर की एल है, डायग्राम समझ में आ रहा है। और ये है क्या एक्चुअल में ये भी सुन लो, इसके अंदर सपोज एक सिलेंड्रिकल वायर है, एक सिलेंड्रिकल वायर है ऊपर से फिक्स कर दी, नीचे से उसको घुमा दिया, ऊपर से फिक्स करके नीचे से घुमा दिया सच दैट कि इस पॉइंट को तो मैंने टच नहीं किया, ये तो जैसा है वैसे का वैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो ए पॉइंट था वो घूम के कहां पर आ गया, बी पे आ गया। जो ए पॉइंट है वो शिफ्ट होके कहां पर आ गया, बी पॉइंट पर, और ये वाला पॉइंट रिमेन्स ही सेम। ऊपर से यानी कि फिक्स कर दिया, वायर को सिर्फ कहां से घुमाया, नीचे से घुमाया, ठीक है यहां तक। तो आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में करना क्या है इसको देखो सबसे पहले। और हाँ, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बहुत छोटी है, मीन बहुत छोटे अमाउंट से घुमाया हमने, ये नहीं कि आपने घुमाना ही शुरू कर देना है, बस हल्का सा घुमाया। इन सेक्टर ये ओ ले लो, ये ओ डैश ले लो, इन अगर मैं लिखूं इन सेक्टर ओ ए एंड बी, नीचे वाला सेक्टर दिख रहा होगा ओ ए बी, एंगल इज आर्क, दिस इज ए बी आर्क अपॉन रेडियस आर, तो यहां से ए बी की वैल्यू क्या आ गई, आर इंटू थीटा, गुड आउट इसमें, ठीक। एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस और आर की वैल्यू कितनी है ए बी, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, आर इंटू थीटा। नेक्स्ट इज इन सेक्टर ओ डैश ए एंड बी, ये ओ डैश है, ये ए है और ये पी है, दिख रहा है ये सेक्टर, तो ये भी वेरी स्मॉल एंगल के लिए है। तो इस सेक्टर में ये जो मैंने ये वाला सेक्टर बनाया ये रहा, इस सेक्टर में एंगल फाई इज आर्क ए बी डिवाइडेड बाय रेडियस, और रेडियस इस सेक्टर के लिए क्या होगा, लेंथ ऑफ द सिलेंडर एल, ठीक है ना। यहां तक तो सेम, एक बार नीचे वाला सेक्टर बनाया एक बार ऊपर वाला सेक्टर बनाया, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, एल इंटू फाई, ये भी ए बी ये भी ए बी, इन दोनों को इक्वेट कर दो, एल इंटू फाई इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। अगर मैं आपको थीटा दे दू, आर दे दू, एल दे दू, तो यहां से फाई कैन बी कैलकुलेटेड। इस टाइप का क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बुक्स में गिवन भी है, तो आप समझ सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपने कैसे हैंडल करना है, दैट एक सेक्टर नीचे से एक सेक्टर ऊपर से, दोनों में एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस लगाना है, इक्वेट करना है आर्क्स को, और वहां से आपके पास दो एंगल्स गिवन होंगे, एक गिवन है एंड सेकेंड कैन बी कैलकुलेटेड। Any doubt? Point is clear? O, O dash A की approximately angle छोटे हैं ना? Angle छोटे हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपका तरीका ही नहीं, आप क्या लोगे और, ठीक है ना। अच्छा चलो ऐसा कर लो फिर, जो means ये देखो, जब हम ऐसा बोलते हैं कि angle is arc upon radius, तो इसका मतलब कि एंगल्स बहुत छोटे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली लेंथ को मैंने एल लेके सॉल्व कर लिया, मतलब ऐसा न्यूमेरिकल क्योंकि गिवन है तो उसमें एल उसने लिया, तो इसलिए आपको एल लेना है, ठीक। नेक्स्ट जो पॉइंट है, लास्ट टाइम मैंने पहला ही कॉन्सेप्ट बताया था टाइप ऑफ क्वेश्चन में, तो प्लीज उसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैंने ये बताया था कि गिवन अ वायर और नीचे एक मास है एम टू, वायर का मास था एम वन, तो अगर सपोज इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, तो अगर मैं इसका स्ट्रेस निकालूं, स्ट्रेस तो प्लीज उसे मेंशन कर लो, ये जो स्ट्रेस निकला है ये मिड पॉइंट पे निकला है, स्ट्रेस कहां पे निकला है, एट मिड पॉइंट पे निकला है। अब देखो ना, जो टेंशन, जब वायर का मास होता है तो वायर का मास अगर मैं कंसिडर करता हूं तो टेंशन हर पॉइंट पर वेरी करेगी ऑब्वियसली, अगर मास नहीं लेना तो टेंशन की वैल्यू विल रिमेन सेम,
तो मिड पॉइंट के ऊपर हमने क्या लेना होता है, इसका वेट और इसका वेट, तो टोटल वेट क्या होगा, एम वन जी नहीं, एम वन जी बाई टू प्लस एम टू जी डिवाइडेड बाई एरिया ए, इसलिए हाफ किया था। तो अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्ट्रेस पूछता तो फिर पूरी वायर का वेट एम वन जी प्लस एम टू जी डिवाइडेड बाई एरिया ए, ठीक है ना। हाँ, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही लगेगा कि अगर एक वायर है अंडर इट्स ओन वेट वो खिंच गई तो एल नहीं लेना, उसमें एल बाय टू लेना। यहां तक क्लियर है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज इसी इसी जो मैं सिलेंडर को इसके नीचे नोट करना प्लीज, ये जो हम कंटिन्यू कर रहे थे ना जिसमें मैंने अभी निकाला फाइ इज इक्वल टू व्हाट आर इनटू थीटा डिवाइडेड बाय एल, इसके अंदर जो मैं करवाने जा रहा हूं ये वाला टॉपिक और नेक्स्ट वाला टॉपिक और उससे नेक्स्ट वाला टॉपिक, दो तीन टॉपिक्स हैं कैंटिलीवर तक, इन टॉपिक्स ये टॉपिक्स आज तक कॉम्पिटिशन में नहीं आई, ठीक। लेकिन आपकी ऑब्जेक्टिव बुक्स में इसके क्वेश्चंस गिवन है, क्यों गिवन है मुझे नहीं मालूम, पर मैंने कभी बेंडिंग ऑफ बीम्स पे और ना ही मैंने कैंटिलीवर पे कभी कोई क्वेश्चन देखा। अब क्योंकि क्वेश्चंस गिवन है, अब हो सकता है कि इसी साल ऐसा हो जाए, अगले साल आपके टाइम में ऐसा हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो हमें सिर्फ एक नजर मार लेनी चाहिए कि क्या गिवन है, ताकि अगर हम बुक्स पढ़े भी तो एटलीस्ट हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये किस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, ठीक। तो इसी के अंदर एक टॉपिक है कि जब हम इसको ट्विस्ट करते हैं, नीचे से घुमाते हैं, तो उस केस में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कपल, कपल मींस टॉर्क, टॉर्क। तो इसमें ट्विस्टिंग टॉर्क, ट्विस्टिंग टॉर्क और कपल, कपल पर यूनिट ट्विस्ट इज गिवन बाय सी बाय ईटा आर फोर डिवाइडेड बाय टू टाइम्स एल। आप लिखो तो सही फॉर्मूला, एक मिनट मैं बताता हूं क्या है ये फॉर्मूला। अर्पित यादव, रजत ने की, रोहन, रोहित राणा, सचिन, विपाशा शर्मा, ओके, ठीक है। देखो बेसिकली इसको घुमाने के लिए मेरे को एक ट्विस्ट लगाना पड़ेगा, कपल लगाना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो वो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, पाई इंटू ईटा, ईटा का मतलब कोफिशियंट ऑफ, बिल्कुल गलत, क्या ये लिक्विड्स हैं, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी तो लिक्विड्स की होती है, ये ईटा क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चल रही है, तो ईटा का मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो जो भी क्वेश्चन में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी गिवन होगा वो ले लेना, और आर मींस रेडियस है और लेंथ मींस लेंथ ऑफ अ सिलेंडर है, सेंट्रिकल वायर है। तो ये एक फॉर्मूला वो यूज करेगा, वैसे इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता इसलिए बस एक बार देख के नजर छोड़ देते हैं। इसी के अंदर वर्क डन इन ट्विस्टिंग अ सिलेंडर, तो अगर मैं वर्क डन निकालता हूं तो वर्क डन की जो वैल्यू है, इसका फॉर्मूला जो बुक्स में गिवन है, हाफ इंटू कपल इंटू थीटा का स्क्वायर, दैट इज पाई ईटा आर फोर थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर एल। कहने का मतलब कि जो वर्क डन की वैल्यू है, ये वर्क डन की वैल्यू इसके इक्वल आपके बुक्स में गिवन है। तो अगर कोई क्वेश्चन इसके ऊपर आ गया कि अब एक सिलेंडर घुमा रहे हैं और ये ट्विस्ट है और वर्क डन निकालो इसको थीटा एंगल घुमाने में, तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला वो यूज करेगा जो आपको समझ आना चाहिए ये कैसे है। लेकिन इसका जो प्रूफ है वो कोई बुक नहीं दिखा रही, क्योंकि इसका प्रूफ हायर जो है फिजिक्स में से लिया गया है, ठीक। ऐसे कई एक दो टॉपिक्स और है, मैं भी मैंने साइट खोली भी हुई थी नीचे, आपने देखा होगा, एक अभी मैं दिखाऊंगा आपको। मैं सर्च कर रहा था इसके प्रूफ, तो जब मैंने प्रूफ सर्च किए तो बहुत 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 बड़े हैं, तो मेरे को लगा कि एक वेस्टेज ऑफ टाइम है इनको करना। मैं आप लेकिन आपको दिखाऊंगा एक दो इनके प्रूफ जो है वो कहां से आए हुए हैं, ठीक। तो अभी वर्क डन इंटरेस्टिंग ये नोट कर लें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपकी बुक्स में, दैट इज बेंडिंग ऑफ बीम्स, बेंडिंग ऑफ बीम्स। बीम कौन सा बीम, जो घरों में बीम डलते हैं। बीम क्यों डलते हैं, ताकि मकान का लोड को सपोर्ट मिल सके। तो कुछ सालों के बाद वो जो बीम है वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है, ठीक। तो जब वो बीम मुड़ सा जाता है, थोड़ा सा लोड की वजह से उसकी जो शेप है वो खराब हो जाएगी, तो बेंडिंग ऑफ बीम्स के अंदर पहला टॉपिक है कि टॉर्क, टॉर्क और बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट सी इज गिवन बाय अ फॉर्मूला वाई आई जी बाय आर, वेयर आई जी इज ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड आर इज द रेडियस ऑफ बीम
एंड वाई तो पता ही है यंग्स मॉडुलस है, और अगर सर्कुलर शेप है या अगर सिलेंड्रिकल शेप है तो आई जी की वैल्यू दोनों के केस में रहेगी, एक में पाई आर स्क्वायर बाय फोर और दूसरे केस में रहेगी बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12, वेयर बी इज द ब्रेथ एंड डी इज द थिकनेस। इस टॉपिक को देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी और ही क्लास में आके बैठ गए और पता नहीं किस दुनिया की बात कर रहे हैं, कि पता नहीं कौन से बीम है और ये हो क्या रहा है इसमें। तो मैं तभी बता रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते आपके कॉम्पिटिशन में। क्वेश्चन आएगा लॉजिकल, दिमाग लगेगा ये कहां से आ रहा है टॉपिक, किसी को नहीं पता। ठीक, तो देखो इसमें क्या है बेसिकली, मैं आपको जस्ट आइडिया दे देता हूँ। जब बीम बेंड होता है तो टर्न हो जाता है, जो टर्न होता है तो इसके एक टर्म यूज कर रहे हैं इसमें टॉर्क या बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं इसे। और अगर आप इसका कोई प्रूफ देखना भी चाहते हो बेंडिंग ऑफ बीम्स का, या कैंटिलीवर एक टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक्स का जो प्रूफ है आपको कोई सिविल इंजीनियर दे पाएगा, क्योंकि जो सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं वो बीम की बेंडिंग भी स्टडी करते हैं, कितना लोड डालने से आपके बीम्स बेंड होंगे, और साथ में वो ये भी स्टडी करते हैं कि अगर कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर समझते हो बालकनी को एक्सटेंड कर लेते हैं अपने घरों के आगे फर्स्ट फ्लोर पे, जो लेंटर डाल के थोड़ा सा आगे हवा में टिका लेते हैं, सच दैट एक एंड, ये कैंटिलीवर है सपोज स्टेज एक, मान लो अगर ये हवा में टिका हुआ है नीचे कुछ नहीं है, तो एक एंड हवा में है दूसरा एंड यहाँ पर क्लैंप्ड है, इसको कैंटिलीवर बोलते हैं। तो कैंटिलीवर पे अगर बहुत लोड लगा दोगे तो कैंटिलीवर भी यहाँ बेंड होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है, इसके प्रूफ वहां से मिलेंगे। अब एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो जाती है, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सुना था, पर ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीच में कैसे आ गया? जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, m1r1 square, m2r2 square, m3r3 square एंड सो ऑन। ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज समथिंग रिलेटेड टू द एरिया। तो हम एरिया कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स एक्सिस, तो वहां से निकलता है ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि आपकी कोई बुक आपको निकालना सिखाएगी नहीं। हाँ, आपको इतना जरूर बता दिया ऑब्जेक्टिव बुक्स में कि सपोज अगर आपकी एक रॉड है और उसका क्रॉस सेक्शन अगर सर्कल है, सर्कुलर, तो उस केस में ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ये याद कर लो। और अगर आपका आपकी जो रॉड है या बीम है वो रेक्टेंगुलर है, और नॉर्मली रेक्टेंगुलर बीम्स होते हैं, गोल नहीं होते, बीम हमेशा क्रॉस सेक्शन में रेक्टेंगल होते हैं, तो रेक्टेंगुलर के केस में आपको फॉर्मूला याद करना है बीडी क्यूब बाय 12, बी का मतलब जो है उसकी जो ब्रेड्थ है और डी का मतलब उसकी जो थिकनेस है। तो ये आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, बेंडिंग मोमेंट आएगा, जो इसमें कोई टर्म यूज होती है। तो अगेन मैं सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि आपकी बुक्स में ये गिवन है सिर्फ इसलिए, अदरवाइज आपको ये करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ देखते जाओ। हाँ, एक क्वेश्चन अगर आना होगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा, मैं अभी बता दूंगा कि वो क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैंटिलीवर। कैंटिलीवर मैंने बताया कि एक एंड को आपने क्या कर देना है, क्लैंप्ड कर देना है। ये आपकी लेंथ एल है कैंटिलीवर की, आपने लोड लगाया, लोड लगाने से कैंटिलीवर डेल्टा बेंड हो गया और लोड का वेट है डब्ल्यू। ये लोड पहले यहां पर था, लोड नीचे आ गया, डब्ल्यू वेट नीचे आ गया, कैंटिलीवर बेंड हो गया बाय एन एंगल ऑफ डेल्टा, वे डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाय 48y into ig। ठीक, फॉर्मूला अगर आप मुझसे पूछो, मेरे को भी याद नहीं इसका फॉर्मूला क्या है, यूज नहीं होता ना रूटीन में। हाँ, एक चीज मुझे पता है, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो एक चीज पे क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए कैंटिलीवर में, क्या कि अगर आपका कैंटिलीवर डब्ल्यू वेट लगाने से बेंड हो गया, तो सपोज पहले केस में उसकी बेंडिंग डेल्टा 1 है, और याद रखना एक और चीज, जो डेल्टा बेंडिंग है दैट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग्स, ये आपने याद रखना है बस, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ना तो ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हमें पता है, पर यंग्स मॉडुलस हम जानते हैं। तो बस ये याद रखना कि अगर क्वेश्चन आएगा तो दो कैंटिलीवर्स के ऊपर आएगा, एक का यंग्स मॉडुलस y1, एक का y2, एक का डेल्टा 1 गिवन होगा, दूसरे का डेल्टा 2 आपको निकालना होगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक? बस और कुछ नहीं आएगा, क्लियर है यहां तक? तो ये कैंटिलीवर का टॉपिक है। एंड नेक्स्ट जो आपका पार्ट है, अब एक्चुअल में जो चीजें आती हैं उसी को देखते हैं। हमने लास्ट टाइम वो कर लिया था लीनियर एक्सपेंशन, तो मैंने आपको बता दिया था थोड़ा सा कि वायर गर्म हो गई तो एल डैश इज एल इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू टी, वो हमने टाइप बता दिया था। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है इलास्टिसिटी में, लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन है। मान लो आपको एक ग्राफ दिया जा रहा है
क्वेश्चन में, सपोज दिस इज ग्राफ बिटवीन मास एंड टाइम स्क्वायर, मास एंड टाइम स्क्वायर, किसका मास और किसका टाइम पीरियड टी। सपोज एक लेंथ एल है, सपोज एक वायर है, इलास्टिक वायर है, और मैंने यहां पर मास लगा दिया एम, ठीक। और सपोज एक स्प्रिंग की तरह ये वायर एक्ट कर रही है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, एक स्प्रिंग की तरह ये काम कर रही है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ऑब्वियसली अगर यंग्स मॉडुलस है तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी है, हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला भी डिराइव किया था, वाई ए बाई एल शायद, ठीक। मतलब याद ना हो तो कम से कम यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले को देख के आप स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल तो लोगे ना, एफ अपॉन डेल्टा एल को क्या रिप्लेस कर देना है बाय के, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर आपने अटेम्प्ट करना है तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही स्टडी करेंगे, पर शायद आपने सुन रखा हो फॉर्मूला, मुझे मालूम नहीं, कि अगर सपोज एक स्प्रिंग है और एक मास है, स्प्रिंग के क्वेश्चन में आज तक जितने भी स्प्रिंग के क्वेश्चन किए हमने स्प्रिंग का कभी मास नहीं लिया, ठीक है। अगर मैं इस मास को नीचे तक ले आऊं और छोड़ दूं तो यह मास नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा, ऐसे मोमेंट करेगा। तो जब यह स्प्रिंग नीचे आया, फिर यह ऊपर गया, फिर यह नीचे आया, यहां मान लो मैं ब्लॉक हूं, मैं पहले इधर गया, फिर इधर से टच करके मैं वापस अपनी जगह पर वापस आ गया, इसको बोलते हैं वन टाइम पीरियड, दिस इज नोन एज अ टाइम पीरियड। क्लियर है यहां तक? तो अगर इस ब्लॉक का टाइम पीरियड कैपिटल टी है, और मान लो चलो एनर्जी लॉस नहीं है, और अगर एनर्जी लॉस नहीं है तो और भी अच्छा है, तो उस केस में ये ब्लॉक हमेशा के लिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मूव ही करता रहेगा। तो जितना एक चक्कर का टाइम पीरियड होगा, हर चक्कर का टाइम पीरियड भी क्या रहेगा, सेम, एनर्जी लॉस तो है नहीं। तो कैपिटल टी अगर आपको निकालना है, अगर आप निकालना चाहते हो कि ये जो मास है वो कितनी देर में जाता और आता है, फिर जाता और आता है, फिर जाता और आता है, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड क्या है, तो हम एस एच एम के अंदर इसका फॉर्मूला डराइव करेंगे 2π√m/k, ये इसका फॉर्मूला प्लीज नोट कर लें। लेकिन ये कहां से आया मैं ये आपको बता नहीं पाऊंगा, बस अभी आप इसको याद करें, t=2π√m/k, ठीक, वेयर m इज दी जो मास लगाया स्प्रिंग के नीचे और k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। एनी डाउट? ये चीज सबको क्लियर है? पर प्रूफ नहीं, प्रूफ ज्यादा देर नहीं है, अभी थर्मोडायनेमिक्स के बाद सबसे पहले इसी का प्रूफ करेंगे हम। अब देखो अगर मैं क्या करता हूं, इसको स्क्वायरिंग करता हूं, t²=4π²m/k, कर लिया। तो इसमें अगर मैं मास और टाइम पीरियड का ग्राफ प्लॉट करूं कि अगर मैं m बढ़ाऊंगा तो मेरा टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, अगर मान लो मैं एक इस m मास की जगह 10 किलो मास की जगह 20 किलो 30 किलो 40 किलो मास रखना शुरू कर दूं तो टाइम पीरियड सेम तो ना रहेगा, टाइम पीरियड की वैल्यू विल चेंज। तो मैथ्स का क्वेश्चन है कि अगर सपोज ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू मास, मैं बोल सकता हूं जितना बड़ा मास उतना ही बड़ा टाइम पीरियड। और अगर मैं t स्क्वायर और m का ग्राफ प्लॉट करूं तो वो हमेशा कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। मेडिकल वाले चाहे समझ आ गया, ठीक, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, नॉन मेडिकल वालों को समझ आ रहा है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पॉइंट है कि सपोज कहां से पास करेगा वो, ओरिजिन से, वैसे भी इतना तो कोई भी समझ लेगा, यहां तो क्लियर है ना। अब अगर मैं टी स्क्वायर और एम का ग्राफ प्लॉट करूं, अगर मैं टी और एम का ग्राफ प्लॉट करूं तो स्ट्रेट लाइन तो आएगी नहीं, ये तो कर्व उल्टा पैराबोला बन जाएगा, एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर इज अ पैराबोला की इक्वेशन होती है, ठीक। तो मैथ्स वालों को समझ आ रहा है, तो पैराबोला बनेगा, पर मैंने टी और एम का पूछा नहीं, मैंने टी स्क्वायर और एम का पूछा, तो स्ट्रेट लाइन आ गई पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, इतनी नॉलेज होने के बाद अब क्वेश्चन है कि मैं आपको एक ग्राफ प्लॉट करके दे रहा हूं टी स्क्वायर और एम का, और क्वेश्चन है कि ये एक स्ट्रिंग है, एक स्प्रिंग की तरह एक्ट कर रही है, नीचे मास एम लगा हुआ है, इसको मैंने नीचे स्ट्रेच कर दिया और छोड़ दिया,
तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इसने मूव करना शुरू कर दिया. एंड इफ दिस वायर इज एक्टिंग लाइक अ स्प्रिंग तो इसका टाइम पीरियड होगा 2π√m/k. तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं टी स्क्वायर और एम का, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया द ग्राफ शुड पास फ्रॉम ओरिजिन. पर क्वेश्चन में गिवन है कि ग्राफ आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ग्राफ मैं आपको बना के दूंगा. और मैंने जो ग्राफ बना के दिया वो ये ग्राफ आया नॉट पासिंग फ्रॉम ओरिजिन. तो अगर ये ग्राफ में ये लाइन इज नॉट पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, लेकिन इसको पास करना चाहिए था ओरिजिन में से अकॉर्डिंग टू मैथ, नहीं कर रहा, तो इसका मतलब मैं क्या समझूं? ये क्वेश्चन है. मेरा क्वेश्चन है कि अगर सपोज करो कि अगर ये ग्राफ ओरिजिन से नहीं पास कर रहा, इट मींस व्हाट? क्वेश्चन को और थोड़ा इजी बना देता हूं, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर करें तो इसमें ये टी स्क्वायर था और ये एम था. मेरा ये ग्राफ गिवन है क्वेश्चन में, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, ये आपको ग्राफ ऑलरेडी गिवन होगा. और सपोज कर लेते हैं इसमें कि थोड़ा और इजी बनाने के लिए कर रहा हूं, एक पैन है और एक स्प्रिंग है, हार्डली मैटर्स, कोई बात वहीं पर है. पैन का मास नहीं है, पैन का कोई मास नहीं, इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसका मास m है. और अगर मैं इस मास को दबाऊं नीचे की तरफ तो ये मास ऊपर नीचे जाएगा. पैन को तो छोड़ ही दो आप, पैन का मास छोड़ दो, तो उस केस में इसका टाइम पीरियड एग्जैक्टली क्या होगा? 2π√m/k. ये तो वही बात है, स्प्रिंग के साथ एक मास कनेक्टेड है एंड अगेन स्क्वेयरिंग करने के बाद टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू m, ठीक है ना? तो ग्राफ शुड पास फ्रॉम ओरिजिन. पर लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है? ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा. तो इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, इस मास ऑफ पैन को निग्लेक्ट कर रहे हैं. ठीक, दो मिनट के लिए एज्यूम करो कि मास ऑफ पैन इज नॉट निग्लेक्टेड. लेट्स से इसका मास कितना है, m नॉट. अगर ये m नॉट है, इट मींस जो मेरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2π/m+m0/k, ठीक है ना यहां तक? और अगर मैं अब इसको स्क्वेयरिंग करूं तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² m+m0/k, यहां तक क्लियर है? या फिर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² m/k प्लस 4π² m0/k, कुछ ऐसे आ जाएगा, दो टर्म स्प्लिट कर दी. ठीक, मैथ्स में फिर से वही चीज, क्या कि ये आपकी y है, ये आपका y कोऑर्डिनेट है, तभी तो y एक्सिस के लॉन्ग y चल रहा है, इज इक्वल टू क्या करेंगे इसमें, एक इक्वेशन है mx+c, y इज इक्वल टू mx+c. अब मैंने इसमें क्या निकाल दिया, मैंने इसमें कहा t इज इक्वल टू 2π√m+m0/k, थोड़ा क्लियर लिख रहा हूं मैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² m+m0/k बाहर ले आते हैं, या फिर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² m/k प्लस 4π² m0/k. अब अरेंजमेंट आपका पैन और स्प्रिंग ही है, और ग्राफ किसके किसके बीच में बनना है, एक बनना है टी स्क्वायर के बीच में, एक बनना है एम के बीच में, बाकी सारी चीजें क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, बाकी सब कुछ कॉन्स्टेंट है. पैन तो मैं चेंज करूंगा नहीं मशीन का, उसके ऊपर मास ही चेंज करता रहूंगा. इट मीन्स ये वेरिएबल वाई है, ये स्लोप है, स्लोप मीन्स एम, ये एक्स है, प्लस ये क्या है मेरा कॉन्स्टेंट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसे. इसका मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन से पास नहीं करेगा, ग्राफ कहां से पास करेगा, एक इंटरसेप्ट बनाएगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट अलोंग किस एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस. और वो इंटरसेप्ट क्या होगा इसमें, जो भी ग्राफ में गिवन था, ये आपके पास टी है और ये आपके पास एम था, तो ये रहा इंटरसेप्ट. इसको बोलते हैं जो इतने पोर्शन की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, वो इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी. यानी कि मेरा आंसर क्या बना कि मेरा ग्राफ ओरिजिन से तब पास करेगा जब पैन का मास नहीं लिया जाएगा. अगर पैन का मास लेना है तो ग्राफ विल नॉट पास फ्रॉम ओरिजिन. जो ग्राफ है वो किस उसको फॉलो करेगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को फॉलो करेगा. और सोचो
अगर इसी क्वेश्चन में पैन का मास निग्लिजिबल है, आगे देखो पैन का मास निग्लिजिबल है तो पुट दिस थिंग इज इक्वल टू जीरो, तो फिर से आपका ग्राफ कहां से पास करेगा, फ्रॉम ओरिजिन। मेडिकल वाले रहने दें, बट बाकी को समझ आ गया, मेडिकल रैक्स करें कोई बात नहीं, नहीं आता आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्वेश्चन, कितने लोग हैं वैसे, काफी लोग हैं, कोई बात नहीं, बाकी को समझ आ गया ठीक है ना यहां तक, तो इसका आंसर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर मिलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, रादर टाइप में विल स्टार्ट विद प्रेशर, मोर देन सफिशिएंट है ये जो मैंने टाइप्स करवाई आपको। प्रेशर, प्रेशर में देखो जो सबसे पहला पॉइंट है, क्या पॉइंट है, इफ वी वन एंड वी टू आर टू लिक्विड्स हैविंग डेंसिटीज रो वन एंड रो टू एंड दे आर मिक्स टूगेदर, तो मिक्स करने के बाद इनकी जो नेट डेंसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, v2 रो 2 अपॉन v1 प्लस v2। डेंसिटी क्या होती है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो टोटल मास मैंने कर लिया v1 into rho1, v2 into rho2 अपॉन v1 प्लस v2। पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इसी में, कि इफ टू लिक्विड्स ऑफ सेम मास एंड डेंसिटीज रो वन एंड रो टू आर मिक्स टूगेदर, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू टोटल मास, टोटल मास में क्या पुट करेंगे, एम प्लस एम अपॉन टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम में क्या पुट करेंगे, ये वॉल्यूम पुट करेंगे। तो कई बुक्स इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनाती है जो कि मैंने आपके सामने यहां लिख दिया, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जब मासेस बराबर है तो कुछ भी नहीं करना, टोटल मास में एम प्लस m पुट कर देना है, टोटल मास इज m प्लस m डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दी डेंसिटीज।
ज्यादा क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? नेक्स्ट पॉइंट लिखो. नेक्स्ट पॉइंट इज सपोज, देखो ये क्वेश्चन जो मैं करवाने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन का क्वेश्चन था जो मैंने ऑब्जेक्टिव में छोड़ दिया था, ये कहते हुए कि हम प्रॉपर्टीज में करेंगे. आपको याद आ जाएगा शायद जिन्होंने क्वेश्चन ट्राई किए हो. सपोज देयर इज अ सिंपल पेंडुलम, ठीक, सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो एल है, और सपोज नीचे कोई बॉब या मास लगा हुआ है, पेंडुलम है ये रहा, एंड ये पेंडुलम टू एंड फ्रो मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से, आगे पीछे मूव कर रहा है. अब मैं आपको एक चीज बता दूं, शायद आपको ऑलरेडी मालूम हो, पेंडुलम इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. अगेन वन से एक बार फिर से, सिंपल हार्मोनिक मोशंस आपको शायद समझ नहीं आएंगी. सिंपल हार्मोनिक मोशंस की जगह मैं एक सिंपल वर्ड यूज करता हूं, पीरियोडिक मोशंस. पीरियोडिक मोशन वो मोशन है जिसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है. अगर पेंडुलम गया और वापस आया तो उस केस में इसका जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 pi अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी. इसका जो टाइम पीरियड होगा ये शायद सुना होगा आपने, 2 pi अंडर रूट ऑफ एल बाय जी. कोई डाउट इसमें? ठीक. अब बेसिकली करना क्या है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो मुझे आता है, हम सबको आ गया. क्वेश्चन है कि सपोज इस पेंडुलम को, ये एक पेंडुलम है, ये जो पेंडुलम है इसका बॉब है, इसकी डेंसिटी रो है, इसको मैंने इमर्स कर दिया इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा. ठीक है, मतलब मैंने इसको किसी लिक्विड में इमर्स कर दिया. लिक्विड में इमर्स करने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नहीं रहती. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी? चेंज. वो क्यों? क्या पानी में जाके एक्सेलरेशन क्यों चेंज हो जाती है? अब स्ट्रेस की वजह से. देखो ऐसा होता है, बॉब का वेट चेंज हो जाएगा पानी में जाके. वेट क्या होता है? मास इनटू जी. मास चेंज हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या चीज चेंज हुई होगी? ग्रेविटी. तो वाटर के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर एम चेंज नहीं होता, तो वेट चेंज होता है, इट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है. इट मीन्स अगर मैं टाइम पीरियड अब निकालूं, तो टाइम पीरियड इज 2 pi अंडर रूट ऑफ लेंथ, तो चेंज नहीं होगी, स्ट्रिंग को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जी की जगह यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? जी डैश. स्टेप समझ में आया यहां तक? इसमें जो बॉब है उसका वेट चेंज होगा. वेट चेंज का मतलब मास चेंज नहीं करना, क्या नहीं उसकी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक. तो अगर मैं इस बॉब का वेट निकाल दूं पानी में या लिक्विड में, या फिर मैं इस बॉब की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल दूं लिक्विड में, तो मेरा टाइम पीरियड, नया टाइम पीरियड आ जाएगा. इसको करने के लिए मान लो ये आपका एक बॉब है, और मान लो ये वाटर में है, पानी में है, पेंडुलम का पार्ट है. ये जो बॉब है इसका एक्चुअल वेट कितने नीचे की तरफ? mg. इसकी डेंसिटी कितनी है रो, और लिक्विड की कितनी है सिग्मा? तो जीरो जी बोलो, जीरो जी. बॉब mg की जगह मास वेट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. मान लो इसका वॉल्यूम v है, तो इसका मास कितने? v इनटू रो, जीरो जी. ये इसका एक्चुअल क्या है? वेट है, असली वेट. लेकिन पानी में जाके ये वेट तो रहता नहीं, वेट कम हो जाता है. क्यों कम होता है? क्योंकि इस बॉब के ऊपर क्या लगेगा? अप लगा दें आप थ्रस्ट. ये लगा दिया मैंने इसके ऊपर अप थ्रस्ट u. अब u का फॉर्मूला भी क्या होता है? वीरो जी. वॉल्यूम तो पानी का और बॉब का एग्जैक्टली सेम, तो वॉल्यूम का मतलब v, लेकिन अप थ्रस्ट का मतलब वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. तो u के अंदर डेंसिटी किसकी आएगी? सिग्मा की. ये स्टेप समझ आ गया? अप थ्रस्ट का मतलब वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो यानी कि डेंसिटी किसकी? वाटर की. कोई डाउट इसमें? बिल्कुल ठीक है यहां तक? ठीक. नेट वेट बोलो, नेट वेट की वैल्यू एक्चुअल वेट में से क्या माइनस कर दें? अप माइनस कर दिया. कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है? एक्चुअल जो वेट है उसमें से अप थ्रस्ट माइनस करेंगे तो नेट वेट आएगा, और नेट वेट में बोला मैंने मास मत चेंज करना, क्या चीज चेंज करनी है? जी. ये ठीक लिखा मैंने? कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें? ठीक है ना? मास तो चेंज करना ही नहीं है, वो तो हमने डिस्कस किया ही हुआ है. एंड फाइनली लास्ट स्टेप है. क्या है लास्ट स्टेप? इसको देखो, फाइनल स्टेप में
मास किसका मास है? बॉडी का, और बॉडी का मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी. एम का मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ बॉडी, जो कि क्वेश्चन में क्या गिवन थी, रो इनटू जी डैश इज इक्वल टू वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी. वी 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 कैंसल, जी डैश और जी इज इक्वल टू रो माइनस सिग्मा जी बाई रो. क्या आ गया? नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट इसमें? और फाइनली जो नया टाइम पीरियड होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम अपॉन जी डैश, या फिर 2 पाई एल डिवाइडेड बाय रो माइनस सिग्मा जी अपॉन रो. आंसर याद नहीं करना, आपकी बुक्स याद करवाती हैं, शॉर्टकट याद कर लो रो और सिग्मा में. शॉर्टकट आज याद हो जाएगा, एक साल के बाद तो एक भी शॉर्टकट याद नहीं रहेगा, ठीक है ना? बट कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि आगे से अगर पानी में कोई वेट निकालना हो तो जी चेंज करना है जी डैश, एंड कैसे चेंज करना है, एक्चुअल वेट में से अपथ्रस्ट को माइनस करना है. कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट है, देखो अब जो नेक्स्ट केस करने हम जा रहे हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है. इसमें प्रेशर्स के अंदर माने जाते हैं. देखो व्हेन, इसके ऊपर तो कंपटीशन में बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं. अभी चेक कर लेते हैं किसका सही होगा किसका गलत होगा. ठीक, एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है. सपोज आइस इज फ्लोटिंग इन वाटर. बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि मान लो वाटर है और वाटर में ये एक आइस है फ्लोट कर रही है, और पानी का लेवल कहां पर है? एक्स पॉइंट पर है. ठीक, क्वेश्चन है जब आइस मेल्ट होगी पानी का लेवल क्या होगा? डिग्रीज सेम नहीं, एक आंसर, एक मल्टीपल चॉइस नहीं है, एक बोलना है. सेम कितने लोग बोलते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कितने लोग बोलते हैं कि कम हो जाएगा? पूरी पिघल गई, नहीं कुछ ऊपर है कुछ नीचे है. ठीक है, और कितने लोग बोलते हैं कि बढ़ जाएगा? ठीक है, तीनों आंसर्स सही हैं, तीनों आंसर सही हैं. लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, और अगर मैंने कुछ नहीं इसमें मान लो आपको बस यही क्वेश्चन कहा कि बस बताओ क्या होगा, तो तीनों आंसर्स पॉसिबल है. लेकिन आपका क्वेश्चन जब आएगा वो ये नहीं कहेगा कि तीनों आंसर, उसमें तो एक ही पूछेगा, तो आपको साथ में क्या देगा? आइस एंड वाटर की डेंसिटी. अब डेंसिटी इसके ऊपर डिपेंड करेगा, हो सकता है पानी का लेवल सेम रहे, हो सकता है नीचे गिर जाए, हो सकता है ऊपर उठ जाए. करके देखते हैं वो भी मैथमेटिकली एग्जैक्टली क्या होगा. करें स्टार्ट. तो सबसे पहले सपोज ये आपके सामने आइस मेल्ट हो गई, और डिपेंड करता है, हो सकता है लेवल ऊपर उठ जाए, हो सकता है ऊपर उठ जाए और वाई मार्क मींस एक्स मार्क वाई में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है सेम रहे, और हो सकता है नीचे गिर जाए. करके देखते हैं कैसे. ठीक, सबसे पहले इसके जो तीन केसेस हैं, इसमें एज्यूम कर लो कि एम इज दी मास ऑफ आइस एंड लिक्विड की जो डेंसिटी है, लिक्विड मीन वाटर या जो भी लिक्विड है जिसमें ये आइस तैर रही है, सपोज वो डेंसिटी कितनी है? रो है, रो. ठीक, याद है? क्लियर है? ठीक है ना? नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है, मैं केस कर रहा हूं व्हेन मार्क ऑफ वॉटर इज एट एक्स, मतलब अभी आइस मेल्ट नहीं हुई. ठीक, सपोज वी इज द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय आइस. ठीक है ना, मतलब ये एक्स मार्क वाली बात हो रही है, यहां पर ये आइस है और आइस का, आइस के केस में मेरे को एक चीज तो कम से कम मालूम है कि अगर ये एक्स मार्क है तो ये जो वॉल्यूम है जो नीचे डूबा हुआ वॉल्यूम है, क्योंकि आइस जब फ्लोट कर रही थी उसका सारा पोर्शन पानी में नहीं था, कुछ पोर्शन पानी में था और कुछ ऊपर था. तो मेरे को एक चीज बताया कि जितना भी ये शेडेड पोर्शन है, लेट्स से इसका वॉल्यूम कितना है, पूरी आइस का वॉल्यूम वी नहीं बोला, सिर्फ उस वॉल्यूम की वैल्यू वी है जो पानी के अंदर है. तो वॉटर डिस्प्लेस्ड की वैल्यू भी क्या होगी, वी होगी. ठीक है, यहां तक v इज इक्वल टू, मान लो इसकी डेंसिटी कितनी है वॉटर की, रो रो. तो हमने एक चीज की थी, क्या वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, होल वेट ऑफ बॉडी. पॉइंट क्लियर है, होल वेट ऑफ बॉडी मींस लेट से mg, क्योंकि पूरी आइस का मास तो आपको m गिवन ही था, तो होल वेट का मतलब mg इज इक्वल टू, और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड v है, इनटू लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो इनटू g. क्लियर है यहां तक, समझ आ रहा है, कुछ भी नहीं किया, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी. यहां से g हो गया कैंसिल और आपके पास v की वैल्यू आ गई m डिवाइडेड बाय रो, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड. कोई डाउट इसमें, समझ में आ रही है बात. नेक्स्ट, अब एक काम करते हैं, आइस को मेल्ट करवा देते हैं और मार्क को कहां ले आते हैं, लेट से वाई पे ले आते हैं. ठीक, मान लो लेवल चेंज हो गया, मैं ये केस अज्यूम नहीं करूंगा कि लेवल सेम रहेगा, मान लो लेवल चेंज हो गया, और अगर लेवल चेंज, यहां तक नोट कर लिया सबने, तो अगर लेवल चेंज हो गया तो पहले लेवल एक्स था जब आइस मेल्ट अभी नहीं हुई थी, अब क्या हुआ, लेट से ये लेवल ऊपर हो गया, मान लो मेरे कहे पे ऊपर हो गया, वैसे नीचे भी हो सकता है, हम एक एट अ टाइम एक ही केस कर सकते हैं, मान लो ऊपर हो गया तो ये इतना ऊपर हो गया जितना मैं आपको दिखा रहा हूं. ठीक, और इसकी डेंसिटी कितनी है लिक्विड की, रो 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 डेंसिटी है, और मान लो एक मिनट के लिए फॉर सिंपलिसिटी, सिर्फ समझने के लिए, वैसे ऐसा है नहीं, जो लिक्विड है ना उसमें जब आइस मेल्ट होगी तो क्या बनेगा, पानी. हो सकता है ये लिक्विड पानी ना हो, कहने का मतलब कि ये जो मैं लिक्विड जिसमें आइस मेल्ट फ्लोट कर रही है, मान लो ये पानी नहीं है, कुछ और लिक्विड है, मुझे नहीं पता क्या लिक्विड है, हाँ पर इतना पता है कि अगर आइस मेल्ट कर गई तो सपोज करो, सिर्फ समझने के लिए, कि ये तो लिक्विड मिक्स नहीं हो रहे और जो पानी है वो हल्का है और वो ऊपर इकट्ठा हो गया, सिर्फ समझने के लिए. वैसे हो सकता है कि दो लिक्विड आपस में मिक्स कर जाएं, पर लेकिन मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं ऐसा क्योंकि यहां तक तो नीचे लिक्विड लिक्विड चल रहे, लेकिन जो मैं शेड कर रहा हूं ये क्या है, वॉटर है, और ये वॉटर जो शेड किया हुआ वॉटर है वो कहां से आया, आइस के मेल्ट करने से आया, जस्ट समझाने के लिए. क्लियर है यहां तक, ठीक. वैसे हो सकता है कि ये आइस जो है वो पानी में ही हो ऑलरेडी, तो अगर पानी में हो तो ठीक है, पानी पानी में मिक्स हो जाएगा, बट अगर मैं मिक्स ही कर दूंगा फिर मैं दिखाऊंगा कहां मेरे आइस का पानी कहां गया, दिखाना मुश्किल हो जाएगा, फिर मैं पार्टिकल ड्रॉ करूंगा, इसलिए मैंने उसको मिक्स नहीं करवाया, बस दिखाने के लिए सिर्फ ऊपर बना दिया कि ये दो लिक्विड्स हैं. यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें. नेक्स्ट, अब फिर से एक बार लगाते हैं कि व्हेन आइस मेल्ट्स सपोज करो, सपोज जो मास है, मास की वैल्यू किसकी, जब आइस मेल्ट करेगी, जो आइस का मास था और ये जो शेडेड वाटर है इसका मास क्या रहेगा, मास नहीं चेंज होता, आइस का मास अगर m था, इस शेडेड पोर्शन का मास भी एग्जैक्टली क्या है, m ही रहेगा. कोई डाउट इसमें, याद क्लियर है. और फाइनल स्टेप नोट करो इसमें, क्या कि सपोज करो v डैश वॉल्यूम है,
किसका वॉल्यूम है, वी डैश इसका वॉल्यूम है जो शेड किया हुआ मैंने, इसका वॉल्यूम विल बी इक्वल टू व्हाट, मास, इसका मास कितना है एम, और ये पिघल के क्या बन गया शेडेड पोर्शन पानी, तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो डेंसिटी तो जो डेंसिटीज थी वो बेसिकली एक तो आइस की डेंसिटी थी, आइस की डेंसिटी जब आइस पिघल जाएगी तो आइस की डेंसिटी तो चेंज हो गई, वो तो पानी की डेंसिटी एक्वायर कर लेगी, ये पॉइंट क्लियर है, तो इसलिए एक और डेंसिटी इसमें रोल प्ले कर रही है और वो है डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसमें अब दो लिक्विड्स हो गए, एक तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड और एक डेंसिटी ऑफ वाटर, यहां तक क्लियर है। तो फाइनली हमने सिर्फ दो चीजें की, पहली चीज v का पहला फॉर्मूला क्या था, m डिवाइडेड बाय जो v था, v वाज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय रो, रो का मतलब किसकी डेंसिटी थी लिक्विड की, और सेकेंड v डैश का मतलब है कि वो ऊपर कितना मेल्ट होके उसका कितना वॉल्यूम हो गया, v डैश का मतलब है m डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक हो गया यार, केस नंबर वन, इफ रो इज ग्रेटर देन रो w, अब रो का मतलब है किसकी डेंसिटी लिक्विड की, अब क्या हुआ कि जो लिक्विड जिसमें आइस मेल्ट होने वाली है उसकी डेंसिटी सपोज करो पानी की डेंसिटी से ज्यादा थी, तो अगर ऐसा था मेरे पास ये दो फॉर्मूलाज गिवन है, उस केस में अगर वाटर की डेंसिटी कम है तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा ज्यादा, और अगर रो की वैल्यू ज्यादा है तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी कम। ठीक है यहां तक, इट मींस अगर रो इज ग्रेटर देन रो डब्ल्यू दैट इज लेवल ऑफ लिक्विड एंड वॉटर विल बी मोर एंड द लेवल विल राइज। क्यों राइज, इसलिए क्योंकि वी डैश इसमें क्या आ गया पॉजिटिव, ऊपर आ गया। देखो आप खुद सोचो कि वी डैश का मतलब क्या है, कि हमने क्या किया कि पहले वॉल्यूम वी था, इसका वॉल्यूम वी था, आइस का वॉल्यूम वी था, वी किसका वॉल्यूम था आइस का था, आइस देखो ये जो गेम है लेवल इंक्रीज डिक्रीज करने की, ये इसकी गेम है, ये तो वॉल्यूम्स की गेम है। पहले कंटेनर में वॉल्यूम 10 लीटर था, आइस फ्लोट कर रही थी, लेवल 10 लीटर तक था, अब जब आइस मेल्ट करती है तो उसका वॉल्यूम मेल्ट करने के बाद आइस से भी क्या आ गया ज्यादा आ गया, और अगर आइस से ज्यादा आ गया यानी कि लिक्विड और हाइट अटेन कर लेगा, इसका मतलब जो लेवल है वॉटर का वो क्या हो जाएगा राइज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, पॉइंट क्लियर है सबको, इसका मतलब क्या हुआ कि पानी ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, आइस ऑक्यूपाई नहीं कर रही थी पहले तो लेवल विल इंक्रीज। उल्टा कर लो, केस नंबर टू में इफ लिक्विड की डेंसिटी रो लेस देन वाटर की डेंसिटी, तो उल्टा हो गया वी डैश इज लेस देन वी, कहने का मतलब कि जो वॉल्यूम किसका था आइस का था, ये वॉल्यूम किसका है मेल्टेड आइस का, मेल्टेड आइस का मतलब वाटर का, तो पानी का वॉल्यूम कम बनेगा, कहने का मतलब कि जब आइस पड़ी हुई थी तो उस केस में वॉल्यूम वी था, लेकिन जब आइस पिघल गई तो पिघलने के बाद जो पानी आया उसकी वॉल्यूम कम हो गई तो लेवल ऑफ वाटर विल डिक्रीज, तो यहां पर लेवल वाटर का क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। ये भी क्लियर है यहां तक, ठीक, सेकेंड केस इज क्लियर। और सपोज थर्ड केस है, केस नंबर थ्री, अगर दोनों की डेंसिटीज क्या है बराबर, लिक्विड की दोनों की डेंसिटी बराबर है तो इसका मतलब v इज इक्वल टू v डैश, यानी कि लेवल विल रिमेन सेम, फर्क ही नहीं पड़ेगा, आइस डाल लो पानी डाल लो हार्डली मैटर्स, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस केस में आइस ने भी उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है एंड लिक्विड ने भी उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है, तो इसलिए दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेवल विल रिमेन सेम। तो अब फाइनली हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे, फाइनली जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ये तो अपनी सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ मुझे मैथमेटिकली पता लग गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव में करके नहीं दिखाना ये ज्यादा या कम, सिर्फ एक चीज याद रखनी है और बड़ी सिंपल चीज है, केस नंबर वन ही याद रखना है। केस नंबर वन के अकॉर्डिंगली अगर लिक्विड की डेंसिटी आइस की डेंसिटी या फिर आइस की डेंसिटी, रो का मतलब है लिक्विड, रो का मतलब लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी
किस से? पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, केस नंबर वन. केस नंबर वन है कि अगर लिक्विड की डेंसिटी, जिसमें आइस को घेरा जा रहा है, पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, तो लेवल हमेशा राइज हो जाएगा. ठीक है यहां तक? और अगर हम किसमें घेर रहे हैं, मान लो मैंने एक बहुत कोई ऐसा लिक्विड लिया जिसकी डेंसिटी ज्यादा थी, और ज्यादा भी क्या थी, लेट से कुछ भी मान लो 2 की डेंसिटी थी या 1.5 की डेंसिटी का लिक्विड था, तो आइस को उसमें घेर दिया. अब लेवल क्या होगा, 1.5 की डेंसिटी, पानी की डेंसिटी 1 होती है, उसका लेवल हमेशा ऊपर हो जाएगा. लेकिन अगर कोई पतला लिक्विड है, पानी से भी पतला, पानी की डेंसिटी 1 होती है ना, और मान लो लिक्विड की डेंसिटी 0.8 थी, मैंने उसमें आइस को घेर दिया, तो लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. पानी की डेंसिटी से कम है लिक्विड की डेंसिटी. और अगर लिक्विड और आइस, वाटर की डेंसिटी क्या है, एग्जैक्टली सेम. सेम का मतलब मैंने आइस को पानी में घेर दिया. जब मैं आइस को पानी में घेरूंगा तो आइस पिघल के क्या बनेगी, पानी तो बनेगी. तो लिक्विड और रो और जो वाटर की डेंसिटी एग्जैक्टली सेम हो गई, तो लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आइडिया क्लियर है यहां तक? ये सारी गेम किसकी है, डेंसिटी की गेम है. समझ आ रहा है यहां तक? आए हुए क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन इस तरीके का. नेक्स्ट है, सपोज नेक्स्ट एग्जांपल है, मुझे पता नहीं कौन सी टाइप चल रही है ये. देखो सपोज मूव कर रहा है विद सम एक्सेलेरेशन ए, अपनी स्पीड बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है और बढ़ाता जा रहा है. ठीक, एक मिनट इमेजिन करो कि सपोज अगर आप इस दीवार से पूछो, मींस ये सब हम स्टूडेंट नहीं है, हम सब क्लास के अंदर पानी के पार्टिकल्स हैं, तो क्या होने वाला है इसमें कि सपोज करो ये पूरा टैंक आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, हम सब के ऊपर क्या लगेगी, सूडो फोर्स, बैकवर्ड फोर्स. हम सब इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे. सबसे ज्यादा प्रेशर कहां फील होगा, पीछे हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि फोर्स सबसे ज्यादा मेरे को लगेगी ना, आप सब इधर को आ जाओगे या दीवार को लगेगी, तो पीछे पीछे फोर्स ज्यादा, आगे आगे फोर्स पानी यानी कि आगे से पीछे मूव करेगा. मानते हो? क्यों मूव करेगा, क्योंकि फोर्स है. फोर्स है, इसका मतलब दो पॉइंट्स में प्रेशर डिफरेंस है. पानी तो मूव ही तब करता है व्हेन देयर इज सम प्रेशर. तो इसका मतलब अगर टैंक आगे मूव कर रहा है तो ए और सी का प्रेशर सेम नहीं हो सकता, जबकि दे आर ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन. लेकिन हमने आज तक ये स्टडी किया कि अगर ये टैंक है, अगर कोई टैंक है ये ना, और इसमें वाटर है, हमने आज तक ये स्टडी किया अगर ये पॉइंट है और अगर ये पॉइंट है, हाइट दोनों की ऊपर से सेम है, तो इसके ऊपर भी प्रेशर क्या होगा, पी एटमोस्फेरिक प्लस एचरोजी. इसके ऊपर भी क्या होगा, पी एटमोस्फेरिक प्लस, हम क्या कहते हैं कि दोनों का प्रेशर सेम है. कब सेम है, द वाटर इज लाइंग एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में सेम है. लेकिन अगर टैंक तो चल रहा है और जबकि सी और ए की जो डेप्थ है वो ऊपर से एग्जैक्टली सेम है, तो हाइट की वजह से तो इनमें प्रेशर सेम है, लेकिन हॉरिजॉन्टल मोशन की वजह से प्रेशर सेम नहीं है. कोई डाउट इसमें? समझ में आ रही है बात? ठीक, तो आपको क्या निकालना है, आपको वैल्यू निकालनी है प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट, इसकी वैल्यू निकालनी है.
इसको करने के लिए आपने करना क्या है इसमें, सपोज हम पहले पॉइंट लेते हैं सी एंड ए, सी एंड प्रेशर एट सी विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट ए, पीछे का प्रेशर ज्यादा होगा, तो इसका प्रेशर होगा क्या? देखो अगर सपोज करो हम जब वर्टिकल मोशन लेते हैं, वर्टिकल मींस ये वाली, और हम दो पॉइंट्स लेते हैं एक पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, इनमें अगर डिफरेंस कितने है h, तो हम क्या बोलते हैं कि इसका और इसका प्रेशर डिफरेंस कितने है h इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू एक्सेलरेशन, अपने आप आ जाती है। अगर मान लो अर्थ की एक्सेलरेशन a g ना होती, g की बजाय एक्सेलरेशन a होती, मतलब कोई बॉडी अगर a से नीचे गिरती तो h इनटू रो इनटू क्या हो जाता a, मतलब h हाइट होगी, रो पानी की डेंसिटी होगी और आखिरी टर्म एक्सेलरेशन होगी। अगर तो वर्टिकली काम कर रहे हैं तो वर्टिकली के अंदर बेसिकली क्या होगा, वर्टिकली में एक्सेलरेशन कौन जनरेट करता है, अर्थ, तो हम क्या लगाते हैं जी। और सपोज कर लो, एक और भी चीज सुन लो इसी के साथ ही, अगर मान लो एक टैंक है, पानी से भरा हुआ टैंक है, और सपोज ये तो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में हाइट एच है, वर्टिकल है वर्टिकल, तो इनमें प्रेशर डिफरेंस क्या होगा एच रो जी। मैं प्रेशर एट अ पॉइंट नहीं बात कर रहा, प्रेशर एट अ पॉइंट तो पी एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, लेकिन मैं तो डिफरेंस कर रहा हूं, तो डिफरेंस में आंसर क्या आएगा एच। मान लो यही टैंक एक लिफ्ट में पड़ा हुआ, लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है विदे, अब प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, कोई चीज लिफ्ट में डालोगे जहां जहां जी है वहां जी प्लस ए नहीं कर दोगे, और लिफ्ट अगर नीचे आएगी तो जी माइनस ए नहीं कर दोगे, तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मेरे को याद आ गया एकदम, लेना लेना नहीं था वैसे इसका, वैसे बता रहा हूं। पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो नेक्स्ट आ जाओ, वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब टेक्निक आपको पता लग गई, क्या टेक्निक, ध्यान से देखना, दो पॉइंट्स लेने हैं, एक ये ले लो और सपोज एक पॉइंट ये ले लो, और ये पानी का पार्टिकल, ये मेरा हाफ पानी का पार्टिकल, तो एच रो जी ग्रेविटी। अब एक काम करो, एक ये पॉइंट है, एक मैं पॉइंट हूं, हमारे बीच में एक्सेलरेशन ए, ए क्यों, क्योंकि हम दोनों टैंक का पार्ट है, और टैंक कहां जा रहा है, आगे जा रहा है, टैंक आगे जा रहा है। अब अगर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हो तो टैंक की एक्सेलरेशन ए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इनके बीच में डिस्टेंस कितने एल, एल की हाइट की जगह क्या टर्म यूज करेंगे एच, वैल्यू बोलो इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है रो इनटू ए, समझ में आई बात। और अगर टैंक हॉरिजॉन्टली नहीं जा रहा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो फिर ठीक है हॉरिजॉन्टल प्रेशर की वैल्यू विल रिमेन सेम, नो डाउट इसमें, समझ में आ रही है बात। ये तो एक वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, इसी तरीके से अब मुझे निकाल के दिखाओ प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट सी। पहले एक बात को समझ लो, बी का प्रेशर सी के प्रेशर से ज्यादा होगा क्योंकि बी पॉइंट नीचे है, ग्रेविटी का अफेक्ट बी के ऊपर ज्यादा है, जो पॉइंट नीचे है उसके ऊपर प्रेशर ग्रेविटी की वजह से ज्यादा है, तो बोलो वैल्यू क्या होगी, दोनों के बीच में हाइट कितनी है h, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो इनटू g। ठीक हो गया यहां तक। एक काम करो, ऊपर वाली इक्वेशन से pc की वैल्यू निकालो और नीचे पुट कर दो, तो pb इज इक्वल टू pc की जगह क्या पुट करेंगे l रो a प्लस pa इज इक्वल टू h रो g। यहां से सॉल्व कर लो, यहां से जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, यहां से पी बी माइनस पी ए की वैल्यू जब सॉल्व की जाएगी तो एच रो जी प्लस एल रो ए आंसर। क्लियर है यहां तक, समझ आ रहा है सबको ठीक, और ये भी समझ आ रहा होगा कि सीबीएसई की बात कुछ और थी, असाइनमेंट पढ़ो रात को, सुबह लिख दो, पांच में से पांच नंबर, पांच में से तीन नंबर जो आने आ जाएंगे। कंपटीशन में तो मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, और ये भी अगर गलत हो जाए बस आउट, ये तो सी बात है, तो गेम से आउट हो जाओगे सिंपल। तो कंपटीशन में ना परफेक्शन ज्यादा चाहिए थोड़ी, अगर 30 क्वेश्चन आने हैं 30 में से अगर 22 या 23 करेक्ट करने हैं तो फिर वो करेक्ट होने चाहिए, 5-7 का मार्जिन होता है, 7-8 क्वेश्चंस अगर नहीं आते तो चलता है, बाकी क्वेश्चंस आने भी चाहिए और वहां पर सही भी होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि 25 अटेम्प्ट किए थे और 14 ठीक हो गए, आउट हो, पक्का आउट हो।
तो मैं जहां तक समझता हूँ जिनका अच्छा रैंक आया, अच्छा मीन्स 12 लाख में से या 10 लाख में से 8,000 10,000 जिनका एक्चुअल में रैंक आया है फ्रंट में, तो उनका अटेम्प्ट जब आके बताते हैं तो वो 22,000 जो 22 23 के करीब उनको ऐसा लगता है कि हमने 23 किए थे 2100 सही हो जाएंगे या 24 किए थे 2200 सही हो जाएंगे, इतना एक्यूरेसी रेट होते हैं। अगर जो ये कहता है कि नहीं 14 ठीक होंगे तो उसकी सिलेक्शन 80,000 1 लाख 2.5 लाख इस तरीके से जाती है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन में बहुत फर्क पड़ जाएगा, ठीक है ना, और वो उसी का सही होगा जो एकदम तैयारी अच्छे से प्रैक्टिस करता रहेगा। यहां तक क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट कोई क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सपोज गिवन अ क्यूब, एक क्यूब गिवन है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, देखिए क्वेश्चन है सारे देखे हुए, कितने लोगों ने क्वेश्चन कुछ देखे हैं बुक्स में से कि हाँ ऐसा कुछ देखा था, देखे हुए, ठीक है, मतलब बुक्स पढ़ रहे हो, ठीक। नेक्स्ट इसका सेकेंड डायग्राम है, क्वेश्चन है एक क्यूब फ्लोट कर रहा था, डायग्राम नहीं गिवन होगा याद रखना, ये डायग्राम इसमें गिवन नहीं था, वो मैं बना रहा हूं, क्योंकि डायग्राम इसलिए गिवन नहीं था क्योंकि उसको एक कॉन्सेप्ट चेक करना था आपका, मैं बताता हूं क्या कॉन्सेप्ट है, पर अभी स्टेटमेंट सुनो। एक क्यूब फ्लोट कर रहा है किसी लिक्विड में, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है 2 रो 2 × रो और ब्लॉक की डेंसिटी कितनी है रो, ठीक है, यहां तक क्यूब की डेंसिटी पानी वाटर की या लिक्विड की डेंसिटी से हाफ है, ज्यादा क्लियर है। अब नीचे स्प्रिंग लगा हुआ था, मैंने क्या किया, जब ये जो क्यूब है इसके ऊपर जब मैंने डब्ल्यू वेट रखा तो ये पूरी तरह सबमर्ज हो गया पानी में, पूरा डूब गया, स्प्रिंग क्या हो गया कंप्रेस हो गया, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के गिवन है। आपको इसमें निकालना क्या है, आपको इसमें निकालना है कि W की वैल्यू क्या है, W की वैल्यू निकालनी है क्या होगी, ठीक। और पहला केस समझ आ रहा है कि स्प्रिंग, पहले केस में स्प्रिंग अभी कंप्रेस नहीं है, है नहीं है, बस जो है फर्स्ट केस ये गिवन है। सेकंड केस में स्प्रिंग काफी कंप्रेस हो गया क्योंकि W वेट आ गया। अब डायग्राम इसलिए नहीं गिवन था ताकि वो चेक कर सके कि आपको डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता। देखो जो क्यूब है उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से हाफ है, जिन बॉडीज की डेंसिटी, अच्छा पहले जज ये देखते हैं कि ये क्यूब डूब तो नहीं जाएगा, नहीं डूबेगा, क्योंकि अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो बॉडी डूबती नहीं, ठीक है ना, तो ब्लॉक की डेंसिटी कम है तो बॉडी नहीं डूबेगी, तो ब्लॉक की डेंसिटी एग्जैक्टली हाफ है लिक्विड की डेंसिटी से, तो ऐसे केस में बॉडी का हाफ पोर्शन पानी में रहेगा और हाफ पोर्शन हवा में रहेगा। अब इसको हम शॉर्टकट की फॉर्म में यूज करते हैं, हम डेंसिटीज की रेशियो से हम निकाल सकते हैं कि बॉडी का कितना फ्रैक्शन अंदर है कितना फ्रैक्शन बाहर। अगर आपको नहीं समझ आता कि यार ये पता नहीं कैसे कर दिया, तो आप सब्जेक्टिव असाइनमेंट रिवाइज करो,
उसमें हमने एक क्वेश्चन किया था आइसबर्ग वाला, उसका कुछ फ्रैक्शन पानी में कुछ फ्रैक्शन हवा में, बोलो कितना फ्रैक्शन पानी में कितना हवा में, याद है? तो पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पहले आप पेपर में क्या करोगे, अगर आपको वो क्वेश्चन आता है कि एक क्यूब लोगे, पहले मानोगे कि इस क्यूब का लेट से वी वन पोर्शन, टोटल वॉल्यूम वी है, वी पोर्शन अंदर है तो वी माइनस वी पोर्शन बाहर है, फिर ये क्या करेगा, लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, कितना वी लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, वी इंटू डेंसिटी ऑफ जो भी लिक्विड है इंटू जी, याद आ रहा है? एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी, वहां से आप फ्रैक्शन निकालोगे वी डिवाइडेड बाय कैपिटल वी, और सॉल्व करने के बाद एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा, टेक्निक समझ आ गई, लंबा रूट है कि आप पहले उसको डुबोगे फिर उसका फ्रैक्शन निकालोगे, फ्रैक्शन हाफ आएगा, तो शॉर्टकट याद कर लो ना कि अगर आधा आधा पोर्शन डेंसिटी एग्जैक्टली हाफ है तो ठीक है, वहां से आपका हाफ पोर्शन पानी के अंदर होगा, हाफ पोर्शन पानी के बाहर। पॉइंट क्लियर है यहां तक, समझ आ रही है बात? नहीं तो फिर ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं, आप यहां से कर लो, यहां से दिस इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी, होल वेट का मतलब वी इंटू रो इंटू जी, तो यहां से निकाल लेना, यहां से फ्रैक्शन आ जाएगी वी डिवाइडेड बाय कैपिटल वी, हाफ ही आएगी, देखो ठीक। तो आपको इसमें डब्ल्यू निकालना है, डब्ल्यू क्या होगा, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें करें आगे? तो इसमें बेसिकली मुझे करना क्या है, अगर मुझे W निकालना है, देखो जो चीज पहले जितनी तैर रही थी, स्प्रिंग कंप्रेस था नहीं था मुझे पता नहीं, मेरे को एक चीज पता है क्या, कि W वेट रखने से ब्लॉक नीचे चला गया, ठीक है, और जब ब्लॉक पूरी तरह नीचे गया तो उस ब्लॉक के ऊपर अब थ्रस्ट लगा होगा, ठीक है ना, और साथ में एक चीज और, जो स्प्रिंग है वो और क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, तो उसमें स्प्रिंग की फोर्स भी डेवलप हो गई, याद है? क्लियर है? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, W इज इक्वल टू, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखने जा रहा हूं, एडिशनल अप थ्रस्ट, एडिशनल अप थ्रस्ट प्लस स्प्रिंग की, एडिशनल अपथ्रस्ट समझ आ रहा है क्या? देखो सपोज ये लेक्चर स्टैंड है, ध्यान से देखना, ये आधा तो ऑलरेडी पानी में था, मेरे को उससे मतलब नहीं, क्योंकि मेरा क्वेश्चन स्टार्ट है जब मैंने इसके ऊपर वेट W रख दिया, जब मैंने वेट W रखा तो ये पूरे का पूरा पानी में चला गया, ठीक है, अपथ्रस्ट तो पहले भी लग रहा था इसके ऊपर, मान लो इसके ऊपर पहले अपथ्रस्ट लग रहा था 10, पर जब मैंने इसको दबाया वेट से तो इसके ऊपर अब तक ज्यादा हो गया, क्योंकि अब ज्यादा बॉडी पानी में चली गई, और 10 की वजह कितना हो गया, 15 किसकी वजह से हुआ, वेट की वजह से हुआ, तो कितना एक्स्ट्रा जनरेट हुआ, 5, और ये 5 किसने जनरेट करवाया, वेट ने जनरेट करवाया, पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये 5 कॉन्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है, W वेट, एक तो W जो है, जो W वेट होगा किसके इक्वल होगा, इस वाटर डिस्प्लेस के वेट के इक्वल होगा, क्योंकि अपथ्रस्ट का मतलब वेट ऑफ वाटर डिस्प्ले, तो ये एडिशनल जो उसने अपथ्रस्ट जनरेट करवाया, W एक तो उसके इक्वल होगा, प्लस स्प्रिंग भी उसने क्या कर दिया, और कंप्रेस कर दिया, जितना था पहले मुझे पता नहीं, पर
W ने स्प्रिंग और कंप्रेस कर दिया, और कितना कंप्रेस कर दिया, इसकी कितनी लेंथ पहले हवा में थी L by 2, W वेट रखने के बाद कितनी लेंथ पानी में चली गई L by 2, यानी कि स्प्रिंग में कितना कंप्रेस हो गया भाई L by 2, स्प्रिंग का कंप्रेशन भी कितना हो गया L by 2, कोई डाउट इसमें, तो स्प्रिंग के अंदर फोर्स डेवलप हो गई कितनी L by 2, ठीक। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, वैल्यूज पुट करें। अब थ्रस्ट का मतलब जीरो जी या वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, पर मैं यहां पर टोटल अप थ्रस्ट नहीं, मैं यहां पर एडिशनल फालतू कितना जनरेट हुआ, और फालतू कितना जनरेट हुआ L by 2 के हिसाब से, L के हिसाब से नहीं, क्योंकि पानी के अंदर तो पूरी बॉडी जा चुकी है L, पर मैं L नहीं कैलकुलेट करना चाहता, मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि ये जो L by 2 जो पानी में गया होगा तो इसने कितना अपथ्रस्ट जनरेट करवाया। समझ में आई बात, पॉइंट क्लियर है यहां पर। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं कि यहां पर जब मैं वॉल्यूम लूंगा, वॉल्यूम वो कितनी लूंगा L इंटू L इंटू L by 2, क्योंकि Q का वैसे वॉल्यूम क्या होता है L इंटू L इंटू L, पर मैं यहां पर एडिशनल आधे क्यूब का अपथ्रस्ट लूंगा। मैं पूरे का क्यों लूं, क्योंकि W वेट ने आधे क्यूब को डुबोया है, पूरे क्यूब को नहीं डुबोया, आधा क्यूब तो ऑलरेडी अपने आप ही डूबा हुआ था। यहां तक क्लियर है, वॉल्यूम इंटू अपथ्रस्ट है तो डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, और लिक्विड की डेंसिटी क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2। समझ में आ रही है बात, जीरो जी हो गया, अपथ्रस्ट का मतलब वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड यानी कि 2 इंटू जी, प्लस स्प्रिंग की फोर्स क्या होती है के एक्स, के इंटू क्या एल बाई टू, क्योंकि स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो गया भाई L by 2, क्योंकि पूरे का पूरा क्यूब या पूरा आधा क्यूब तो पहले ही अंदर था, आधा क्यूब अंदर गया L by 2, तो स्प्रिंग भी कितना कंप्रेस हो गया भाई, स्प्रिंग की फोर्स क्या होगी K into L by 2। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना क्वेश्चन। कंपटीशन में मींस प्रैक्टिस नहीं होगी तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये क्वेश्चन कर लोगे एक मिनट में, सवाल एक मिनट क्या, अगर 15 मिनट होंगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते, एक तो नर्वसनेस होती है, ऊपर से कौन वहां ट्राई करने थोड़ा ना जाना है, वहां तो परफॉर्म करने जाना है, ठीक है ना। फिर से कर दूं, देखो मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना, सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बॉडी फ्लोट कर रही थी, मान लो ये क्यूबिकल बॉडी है, ये क्यूब है, क्यूब फ्लोट कर रहा था, ऊपर एक कॉइन पड़ा हुआ था, कॉइन पानी में मैंने डुबो दिया, गेर दिया, ये लो। तो बोलो L लेंथ इंक्रीज होएगी या डिक्रीज होएगी ये बताओ, और H लेंथ इंक्रीज होएगी या डिक्रीज होएगी ये भी बताओ। ओके
एल कितने लोग बोलते हैं कि इंक्रीज, एल कितने लोग बोलते हैं डिक्रीज, ओके, एच इंक्रीज, एच डिक्रीज, इंक्रीज, आंसर डिक्रीज डिक्रीज ही है, दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। कैसे? देखो, ध्यान से सुनो, जब ये कॉइन नीचे गिर गया तो L तो पक्का डिक्रीज है, इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं, क्योंकि ये बोझ कम हो गया एक क्यूब के ऊपर, तो ऊपर हवा में उठ गया, L का तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेवल ऑफ वाटर को देखें, पानी का लेवल क्यों डिक्रीज बोला गया, नीचे क्यों गिर गया, क्योंकि जब कॉइन हवा में था, ठीक, जब कॉइन हवा में था तो वो पानी डिस्प्लेस कर रहा था, इनडायरेक्टली कर रहा था, ठीक है, पानी में जाके नहीं कर रहा था, पर भार तो लगा रहा था, वेट तो लगा रहा था, और कितना पानी डिस्प्लेस कर रहा था, इक्वल टू इट्स ओन वेट, अपने वेट जितना, ठीक है ना, यहां तक समझ में आ रही है बात। अगर शिप तैर रही है, शिप जितना पानी डिस्प्लेस करेगी इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द शिप, होल वेट में जो सामान है उसका वेट भी तो आएगा, तो मान लो वो शिप है, शिप के ऊपर कॉइन है, तो जितना कॉइन ने, सिर्फ कॉइन की बात करते हैं, कॉइन ने भी कुछ पानी डिस्प्लेस किया, तो कॉइन ने जो पानी डिस्प्लेस किया उसका अगर आप वेट कैलकुलेट करोगे वो कॉइन के वेट के इक्वल आएगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, अब कॉइन को घेर दो पानी में, जब कॉइन पानी में गिर गया वो क्या डिस्प्लेस करेगा, वाटर, अभी करेगा, पर कितना, इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम, वॉल्यूम अपने वॉल्यूम के इक्वल, अब उसके वेट के इक्वल नहीं, डिफरेंस समझ आ रहा है, जब तक वो ऊपर बैठा हुआ था फिर तो अपने वेट जितना पानी डिस्प्लेस कर गया, जब वो अंदर आ गया तो सिर्फ अपने वॉल्यूम जितना, अब वेट बड़ा होता है कि वॉल्यूम, वेट ही बड़ा होता है, क्योंकि mg का मतलब होता है जीरो जी, और कहां सिर्फ v लेना, तो इसका मतलब है कि जब वो क्या करेगा, पानी में आ जाएगा तो कम पानी डिस्प्लेस करेगा, जब वो बाहर बैठा हुआ है तो वो ज्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा, अगर ज्यादा करेगा यानी कि पहले लेवल ऊपर था उसकी वजह से, जैसे वो नीचे गिर गया लेवल, अब वो कम पानी डिस्प्लेस करेगा, लेवल नीचे गिर गया। समझ में आ रही है बात? एनी डाउट है ना? कॉन्सेप्ट IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, ये चेक कर लेना पुराने IIT क्वेश्चन, ये कॉम्पिटिशन है। बात समझ में आ रही है? कितना टाइम लगा सिलेक्शन या रिजेक्शन में? सिर्फ एक मिनट। इंक्रीज डिक्रीज बोलेंगे कई लोग, डिक्रीज इंक्रीज बोलेंगे कई लोग, इंक्रीज इंक्रीज या डिक्रीज डिक्रीज, चार ही ऑप्शन है, तो जिसने सॉल्व कर रखा होगा उसको ज्यादा टाइम ही लगेगा। मैं मानता हूं कि क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं होते, बट मिलते जुलते तो हो सकते हैं। ऐसा तो कह सकते हैं एक शिप है, शिप के अंदर कोई पर्सन है, वो जंप कर गया बाहर पानी में, अंदर चला गया, तो बोलो शिप का वेट क्या होगा। अब देखो, अब कहीं ना कहीं लेवल ऑफ वाटर पूछ रहा है वो, कहीं ना कहीं मिलता जुलता कॉन्सेप्ट तो है ना, तो पॉइंट सबको समझ आ रहा है कि किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है आप लोग, और किन क्वेश्चन को टारगेट करने हैं अगर आपको सीट चाहिए। अगर नहीं चाहिए, जितना मैंने करवा दिया आराम से कर लो, सो जाना, बढ़िया नंबर आ जाएंगे, पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाएंगे, लेकिन एक साल के बाद क्या होगा उसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है एक प्रेशर का, वो भी खत्म करते हैं आज, ऑलमोस्ट प्रेशर खत्म ही है, अभी प्रेशर खत्म हुए, अभी तो मुझे लगा था आज मैं सारे क्वेश्चंस कर दूंगा, अभी तो प्रेशर से ज्यादा मेरे पास विस्कोसिटी और प्रेशर से ज्यादा मेरे पास सरफेस टेंशन पड़ी है, मतलब मेरे को तो लग रहा है कि एक छोड़ो दो लेक्चर और लगेंगे इसके ऊपर करने में। ओके, लास्ट क्वेश्चन है प्रेशर का, सपोज लास्ट क्वेश्चन इज, प्लीज साइलेंस, सपोज दिस इज अ यू ट्यूब एंड हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, और दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, पॉइंट नंबर वन इज क्लियर। सपोज इसमें लिक्विड पड़ा हुआ है, एंड एक और अजम्पशन लेते हैं प्लीज, इनकी जो हाइट्स हैं उनको सेम मत रखना, हाइट की वैल्यू एक में ज्यादा एक में कम, हाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के अंदर क्या है एग्जैक्टली सेम, ठीक। पहला क्वेश्चन, जब कैपिलरी ट्यूब्स, जब यू ट्यूब्स हैं उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लिक्विड सेम है, ऐसा हो सकता है कि दोनों की हाइट में डिफरेंस हो? नहीं हो सकता। अगर आप पानी डालोगे यू ट्यूब में और यू ट्यूब यूनिफॉर्म है
तो पानी के लेवल दोनों केसेस में क्या रहेंगे, दोनों लिम्स में क्या रहेंगे, सेम। पर मैंने इसमें क्या शो किया, एक में ज्यादा एक में कम। तो पूरा क्वेश्चन सुनो, पूरा क्वेश्चन है, सपोज एक लेवल में हाइट h1 है, सेकेंड केस में हाइट इज h2 एंड सिस्टम इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन a। अब देखो पता लग गया ना क्यों, अगर सिस्टम आगे मूव करेगा तो पानी के ऊपर क्या लगेगी, सूडो फोर्स, व्हेन देयर इज सम एक्सेलरेशन तो पीछे की तरफ, तो जिस वजह से पानी का लेवल जो फर्स्ट लिम है उसमें इंक्रीज हो गया। पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो एक लिम में कम एक लिम में ज्यादा, एनी डाउट। नेक्स्ट, सपोज इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस पोर्शन का भी, वो भी ए है, ए है। मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं नीचे वाला क्रॉस सेक्शन, क्योंकि अभी तक हमने जो प्रेशर्स डिस्कस किए वो किसकी वजह से किए, हाइट्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, तो नीचे जो बेस में पानी है उसके ऊपर भी तो प्रेशर लगेगा। अभी अभी क्वेश्चन किया था ना वो प्रेशर का, पहले हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्रेशर, तो इसमें वर्टिकल प्रेशर भी है, इसमें हॉरिजॉन्टल प्रेशर भी है। पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। तो सपोज लेंथ इज एल, इनके बीच में लेंथ एल है, एंड मुझे इस क्वेश्चन में निकालना है कितनी एक्सेलरेशन से सिस्टम आगे मूव कर रहा है, दैट्स इट, बस। और इसका आंसर नोट कर लो, जी एच वन एच टू डिवाइडेड बाय एल, ठीक। ट्राई करोगे घर जाके ट्राई करना और बताना नेक्स्ट टाइम क्या कॉन्सेप्ट लगाया। पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है ना।